मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला जी, मंच पर बैठे शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, सभी नेतागण, दोस्तों और भाइयों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोगों को लड़ना चाहिए, साथ लड़े अकेला लड़े लेकिन लड़ना चाहिए। देश भर की परिस्थिति के बयान मैं कर रहा हूँ, मैं इसलिए देश भर की बयान कर रहा हूँ कि बंगाल में अलग सी परिस्थिति बन चुकी है, महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही है कि हम सब जन इकट्ठा लड़े, लेकिन दो चीज़ें जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं यहाँ पर मानता हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड आ चुका है और हर चैनल पर अमित शाह का बयान आ रहा है कि हमने जो है इलेक्शन के माध्यम से जो काला धन था उसको भगा दिया है। लेकिन मैं मोदी जी से और अमित शाह से पूछना चाहता हूं, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस कंपनी है कि जिसकी 2021-2022 की जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट 215 करोड़ का है और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वे 1360 करोड़ का खरीद लिया है, जब कंपनी का प्रॉफिट ही 200 करोड़ है तो 1300 के बॉन्ड वहां कहां से खरीद लिए, इसका विवरण तो होना चाहिए। मैं ऐसे कई कंपनियों का नाम दे सकता हूं। क्या हम लोग इनको टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे? मोदी से ये सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? और हम लोग जरूर पूछना चाहेंगे कि आप कह रहे हो, अमित शाह से हम कह रहे हैं कि आप टीवी पर जवाब देते हो तो इसका जवाब दीजिए कि इस कंपनी के पास 1300 करोड़ रुपए कहां से आए, इसका जवाब होना चाहिए। आप इन पर ईडी की इंक्वायरी करवा रहे थे लेकिन इंक्वायरी की इंक्वायरी अब रुक चुकी है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं समझता हूं कि एक मामला है कि जिसको हमने उठाना चाहिए। दूसरा, प्रियंका गांधी जी से मेरी नम्र विनती है कि मोदी जी कहते हैं कि ये देश मेरा परिवार है, ये बात सही है कि ये देश उनका परिवार है, लेकिन उसका उनका जो असली परिवार है उनमें से एक महिला उनके साथ में नहीं रहती है। हो सकता है कि अगले साल के इलेक्शन में जो हो रहा है मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बने। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से भी मेरी दरखास्त है कि हम लोग इस मुद्दे को उठाए और हिंदू समाज के अंदर फैमिली का जो रिश्ता होता है वो सबसे गहरा रिश्ता होता है, मोदी जी उस रिश्ते को निभाए, उस रिश्ते को निभाए और अपनी पत्नी को अपने साथ में लेके रहे। 2-4 दिन बाकी है, उसके लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि खड़गे जी जब बात करेंगे इस पर जरूर अपनी टिप्पणी यहां पर करेंगे, क्योंकि वह हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू रिवाज की बात करते हैं और वही रिवाज और वही उसको मानने के लिए तैयार नहीं। पर्सनल मामला मैं जानता हूं लेकिन कल्चरल की चर्चा जो है ये आरएसएस ने शुरुआत की, कल्चरल नेशनलिज्म की गई, कल्चरल हिंदुइज्म की गई, अब वो अगर अदा नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उनको उनकी बात
समझाए और उसको अदा करने के लिए वो अपना अधिकार के लिए वो लड़े और हम लोग उनको सिखाए, ऐसी एक परिस्थिति है। दोस्तों 5 मिनट का वक्त होते आ रहा है, मैं और एक बात यहां पर कहूंगा। राहुल गांधी जी से मेरा दरखास्त है यहां पर, वो ये है कि ईवीएम जो है 2004 से मैं उससे लड़ रहा हूं, आज भी मुंबई हाईकोर्ट में उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। पिछले 6 महीने से जब ईवीएम इंक्वायरी की बात आई तो इलेक्शन कमीशन उसको टाल रहा है। उसकी जो मशीन आती है वो अमेरिका से आती है, लेकिन वहां के जो चिप उसमें दो है, स्टोरेज चिप जो है, वो यहां 20-25 रुपए में मिलते हैं कि जिसको मैन्युपुलेट होता है। राहुल गांधी से मेरी दरखास्त है कि पार्लियामेंट भी किस पे विश्वास करे, पेपर ट्रेल पे विश्वास करे और ईवीएम पे विश्वास करे। तो पार्लियामेंट ने कानून से कहा है कि अगर डिफरेंस आया, ईवीएम के काउंटिंग में डिफरेंस आया और पेपर ट्रेल के काउंटिंग में डिफरेंस आया, तो मानना है कि पेपर ट्रेल का जो वोट है वही आपको मानना है, ईवीएम को बगल में रखना है। क्या हम लोग इस इलेक्शन के पहले, इलेक्शन शुरुआत होने के पहले इलेक्शन कमीशन को घेराव डाले, सब पार्टियां उनसे मिले कि अगर कोई कैंडिडेट अर्ज करता है, एप्लीकेशन करता है कि वे वेरीफाइड पेपर ट्रेल जो है वो काउंटिंग होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन मंजूर होना चाहिए, क्या हम लोग इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है? दिल्ली में हम लोग को यहां पे जाना होगा। मैं राहुल गांधी से विनती करता हूं कि वो अगर डेट ऐलान करेंगे तो शायद हम लोग उसमें शामिल होंगे, बड़ी संख्या में शामिल होंगे, ये मैं आशावाद यहां पर करता हूं। रही बात लोग सूत्री, साफ सूत्री कैरेक्टर के लोग चाहते, ये जो फैमिलीवाद है, दूसरे चीजें जो है, लोग उससे उब गए हैं, हम लोग उससे बाहर निकले। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम लोग अपना इस्तेमाल एटलीस्ट महाराष्ट्र के लिए परिवारवाद के लिए खर्च करने के लिए तैयार किया, हम आपके साथ है। आम आदमी हो, डेमोक्रेसी सोशलाइजेशन हो, कैंडिडेटचर का सोशलाइजेशन हो, ना ये हो किसी एक परिवार से, किसी एक कास्ट से ज्यादा लोकसभा के उम्मीदवार हो और हम उनके पीछे सिर्फ वोट बैंक बने, हम लोग वो बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इन्हीं बातों उसके साथ आपसे रजा लेता हूं कि 5 मिनट का वक्त खत्म हो चुका है। जय भीम, जय भारत।